नमस्कार दोस्तों, सक्षम क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम बात करते हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। एक पार्ट हमने देखा था जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हमने बात की थी। आज हमारा ये दूसरा पार्ट होगा जिसमें और आगे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। मित्रों, ये फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, वनपाल, वन रक्षक और भी जो राजस्थान से संबंधित एग्जाम है उनके लिए वेरी उपयोगी है, तो आप उसको जरूर देखिए। और अगर आप चाहते हैं कि हमें मैटर मिले, पीडीएफ मिले, उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप जुड़ सकते हो। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए बढ़ता हूँ आगे और बात करता हूँ आज के अपने पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न है मित्रों, 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कहाँ की जनता वहाँ के राजा को ईसाई राजा कहकर पुकारती थी? तो आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, बीकानेर, जयपुर, टोंक, भरतपुर। तो यहाँ पे जो अपना सही आंसर है वो है मित्रों टोंक। टोंक की जनता वहाँ के राजा को ईसाई राजा कहकर पुकारती थी। थोड़ी सी बात कर लेते हैं टोंक में 1857 के विद्रोह के बारे में। मित्रों, यहाँ का राजा था जिसका नाम था नवाब वजीरुद्दौला। क्या नाम था? नवाब वजीरुद्दौला। और ये अंग्रेजों का समर्थक था। किसका? अंग्रेजों का समर्थक था, और इस कारण जनता इनको ईसाई राजा कहकर पुकारती थी। लेकिन इनका मामा था मीर आलम। कौन था? मीर आलम। ये क्रांतिकारियों का सहयोगी था। किसका? क्रांतिकारियों का सहयोगी था। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, नवाब वजीरुद्दौला अंग्रेजों का समर्थक था, इस कारण वहाँ की जनता इसे ईसाई राजा कहकर पुकारती थी। लेकिन इनका जो मामा था मीर आलम, और ये विद्रोह या क्रांतिकारियों का समर्थक था, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। फिर बात आती है कि मित्रों टोंक में विद्रोह कब हुआ? टोंक में विद्रोह कब हुआ ये भी एग्जाम में आ सकता है, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। और ये हुआ था 10 जून, 10 जून 1857 को, 10 जून 1857 को टोंक के अंदर विद्रोह हुआ था। और यहाँ पे जो प्रमुख क्रांतिकारी थे उनमें से एक तो था नासिर मोहम्मद, नासिर मोहम्मद। दूसरा था अमीर अली, ठीक है, और एक था अमीर अली। इनके बारे में भी ध्यान रखना है कि विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नवाब वजीरुद्दौला वहाँ का नवाब, मीर आलम क्रांतिकारी का सहयोगी जो वजीरुद्दौला का मामा था, ठीक है। यहाँ पे 10 जून 1857 को क्रांति हुई थी नासिर मोहम्मद और अमीर अली के नेतृत्व में। फिर मित्रों कुछ एक बात एक और पूछी जाती है, मोहम्मद मुजीब, इसका नाटक था आजमाइश। क्या नाम था? आजमाइश। और इसके अंदर 1857 की क्रांति में महिलाओं ने भी भाग लिया था, ठीक है। तो टोंक की महिलाओं ने भी भाग लिया था, किससे पता चलता है? मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश से। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है, आपको इसको याद रखना है, एग्जाम में सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनको विशेष ध्यान रखें और नोट कर लें। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। नेक्स्ट है मित्रों, अलवर में 1857 की क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था? अलवर में 1857 की क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था? तो उस टाइम यहाँ का शासक था बने सिंह। कौन था? बने सिंह था। यहाँ पे 11 जुलाई, यहाँ पे 11 जुलाई 1857 को क्रांति हुई थी। कब हुई थी? 11 जुलाई 1857 को। और ये बने सिंह भी अंग्रेजों का समर्थक था। बस इतनी सी बात याद रखनी है, पूछी जाए तो आप बता सकते हो कि यहाँ का शासक कौन था, तो बने सिंह था। बस इतना ही पूछा जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। नेक्स्ट है, एरिनपुरा में 1857 की क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो कथन दिया हुआ है, यहाँ पर क्रांति का नेतृत्व शीतल प्रसाद, तिलक राम तथा मोतीकार ने किया था। दूसरा दिया हुआ है मित्रों, विद्रोहियों ने यहाँ मैक मोसन के बेटे
फ्रैंक की हत्या कर दी थी। तीसरा अध्याय हुआ है यहाँ के क्रांतिकारियों ने मारो फिरंगी दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो मित्रों देखते हैं एक एक के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर क्रांति का नेतृत्व शीतल प्रसाद, तिलक राम तथा मोतीकांत ने किया था। एकदम सत्य बात है ये, ठीक है। यहाँ पर क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो शीतल प्रसाद, तिलक राम और मोतीकांत ने। ये तो सही हो गया। दूसरा है विद्रोह ने यहाँ पे मैग्मोसन के बेटे फ्रैंक की हत्या की थी। मित्रों ये गलत है। फ्रैंक का संबंध यहाँ से नहीं है, फ्रैंक का संबंध कोटा में विद्रोह से है। मित्रों यहाँ पर पैथिक लॉरेंस के बेटे किसके? पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस कौन था? राजस्थान का एजीजी पैथिक लॉरेंस। और इसके बेटे एलेक्जेंडर की हत्या हुई थी। पैथिक लॉरेंस के बेटे एलेक्जेंडर की यहाँ पे हत्या हुई थी। एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जा सकता है। तीसरा अध्याय यहाँ के क्रांतिकारियों ने मारो फिरंगी दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो यह भी एकदम सही है मित्रों। शिवनाथ सिंह अशोक के ठाकुर थे। शिवनाथ सिंह अशोक के ठाकुर कौन थे? शिवनाथ सिंह। इनके नेतृत्व के अंदर क्रांतिकारियों ने ये नारा दिया था। और यहाँ से फिर ये कहाँ गए थे? दिल्ली गए थे। यहाँ से ये दिल्ली गए थे। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है मित्रों, ठीक है। यहाँ पे क्रांति कब हुई थी? तो ये भी नोट कर लो। एरिनपुरा में क्रांति, एरिनपुरा ये पड़ता है पाली के अंदर। और यहाँ पे जो क्रांति हुई थी 21 अगस्त को, कब हुई थी? 21 अगस्त को, 21 अगस्त 1857। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में आ सकता है। जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं मैंने आपको यहाँ बताई हैं, आई होप जरूर समझ में आ गई होगी। ये भी मित्रों पूछा जा सकता है। यहाँ पे पूर्बिया के सैनिकों ने विद्रोह प्रारंभ किया था। पूर्बिया पूर्व से आए हुए, ठीक है। पूर्बिया के सैनिक, इस बात को भी आपको नोट कर लेना है। पूर्बिया के सैनिक पूछे तो आपको एरिनपुरा सामने लिखना है, ठीक है। तो मित्रों इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अपने अगले प्रश्न के बारे में। नेक्स्ट है मित्रों, नेक्स्ट देखिए एक मिनट। बिठोड़ा का युद्ध कब हुआ? मित्रों कितनी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन और इसको आपके आगे भी ध्यान रखना है। बिठोड़ा का युद्ध कब हुआ था? आपके सामने ऑप्शन दे रखा है 20 जनवरी 1858, 18 सितंबर 1857, 8 सितंबर 1857, 21 अगस्त 1857। तो मित्रों यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है 8 सितंबर 1857। थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस युद्ध के बारे में मित्रों। ये जोधपुर की राजकीय सेना, जोधपुर की राजकीय सेना और साथ थे इनके अंग्रेज, इन दोनों की सिंह सेना और कुशाल सिंह संपावत, कुशाल सिंह संपावत इनके मध्य हुआ था। ये तो जोधपुर की जो राजकीय सेना है इनका जो नेतृत्व करने वाले थे दो जने थे। एक का नाम था कुशल राज सिंघवी और उनाड़ सिंह। ये जोधपुर की राजकीय सेना का नेतृत्व कर रहे थे। और अंग्रेज हैं जो इनका नेतृत्व कर रहा था कैप्टन हितकोट। कौन था? कैप्टन हितकोट, ठीक है। तो ये बात को आपको ध्यान रखना है। जोधपुर की राजकीय सेना और अंग्रेजों की सिंह सेना तथा कुशाल सिंह संपावत के बीच में ये युद्ध हुआ था। और इसके अंदर कुशाल सिंह चंपावत की विजय हुई थी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, विजय हुई थी इनकी, ठीक है। और इस युद्ध के बाद यानी इस युद्ध के अंदर उनाड़ सिंह सहित 76 लोग मारे गए थे, ठीक है। कितने? उनाड़ सिंह सहित 76 लोग मारे गए थे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ये मित्रों जोधपुर का किलेदार था। कौन था? उनाड़ सिंह। इस बात को आपको ध्यान रखना है। बिठोड़ा का युद्ध कब हुआ? 8 सितंबर 1857 के बीच, 57 को, और किन किन के बीच में हुआ? जोधपुर की राजकीय सेना तथा अंग्रेजों की सिंह सेना तथा कुशल राज, या फिर आप कह सकते हो मंत्री कुशाल सिंह संभवत के बीच में हुआ था। इस बात में आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इनका नेतृत्व किया था राजकीय सेना का कुशल राज और नौनाट सिंह ने। और अंग्रेजों का नेतृत्व किया था उसने कैप्टन हितकोट ने। और इसमें विजय हुई थी किसी? कुशाल सिंह चंपावत की विजय हुई थी। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे और अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं।
नेक्स्ट है मित्रों, निम्नलिखित में से किस युद्ध में मैकमोहन का सिर काटा गया था। मित्रों थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो मित्रों ध्यान में रखना। निम्नलिखित में से किस युद्ध में मैकमोहन का सिर काटा गया था। ऑप्शन दे रखा है, बिठोड़ा का युद्ध, चैलावास का युद्ध, सिक्कर का युद्ध, कुआड़ा का युद्ध। मित्रों बिठोड़ा युद्ध के 10 दिन बाद 18 सितंबर को, 18 सितंबर 1857 सत्तावन को युद्ध हुआ था। मित्रों एक तरफ तो अपने कुशाल सिंह जी थे ही, कुशाल सिंह संपावत, कुशाल सिंह संपावत, और सामने सिंह सेना, एक में कौन कौन, जोधपुर की राजकीय सेना, जोधपुर राजकीय सेना, और साथ में थे अंग्रेज। ठीक है, जोधपुर राजकीय सेना का जो नेतृत्व किया था वो क्या मित्रों, मैकमोहन ने, किसने किया था, मैकमोहन ने। और इनका जो नेतृत्व किया था वो क्या मित्रों, पैथिक लॉरेंस ने, पैथिक लॉरेंस ने। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है, जोधपुर राजकीय सेना प्लस अंग्रेज, और सामने थे कुशाल सिंह जी चंपावत, और इसमें भी कुशाल सिंह जी चंपावत की विजय हुई थी। और उसके बाद क्रांतिकारियों ने क्या किया, मैकमोहन का सिर काट दिया। किसका, मैकमोहन का, और इसका सिर काट के अउवा के किले पर लटका दिया, अउवा के किले पर लटका दिया। तो ये आपको आंसर मिल गया, आपके क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चैलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को जोधपुर की राजकीय सेना प्लस अंग्रेजों का किसिंग सेना थी उनके, कुशाल सिंह चंपावत के सामने हुआ था, और इसके अंदर विजय हुए थे कौन, कुशाल सिंह जी चंपावत। इसमें मैकमोहन का सिर काट के अउवा के किले पर लटका दिया गया था। ठीक है, तो इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। चैलावास का युद्ध, इसे गोरे काले का युद्ध भी बोलते हैं, गोरे काले का युद्ध। ठीक है, तो मित्रों आई होप जो बातें बताई हैं मैंने वो समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कलुम्बर के केसरी सिंह तथा कोठारिया के जोत सिंह ने निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को शरण दी थी। तो मित्रों आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, ठाकुर कुशाल सिंह, देवा गुजर, गोपाल सिंह खरवा और शिवनाथ सिंह। तो मित्रों थोड़ी सी देखिए, 1 मिनट। सलुम्बर के केसरी सिंह तथा कोठारिया के जोत सिंह ने निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को शरण दी। तो यहाँ पे आपका सही आंसर है मित्रों, ठाकुर कुशाल सिंह। मित्रों अउवा के युद्ध के बाद, अउवा नहीं, ये कौन सा था बताया आपको मैंने, चैलावास, चैलावास युद्ध के बाद इन्होंने जो किले का बार है वो लांबिया के ठाकुर कौन थे, पृथ्वी सिंह। ठीक है, लांबिया के ठाकुर थे पृथ्वी सिंह, इनको किले का भार सौंप दिया, और फिर उसके बाद ये चले गए थे और इनको शरण दी थी मित्रों, केसर सिंह और कोठारिया के जोत सिंह ने। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आई होप जो बातें बता रहा हूँ समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अब पर अंतिम रूप से अधिकार करने वाले अंग्रेज अधिकारी कौन था, अउवा पर अंतिम रूप से अधिकार करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था, ये भी एग्जाम में आ सकता है, कुछ नया क्वेश्चन है मित्रों। तो यहाँ पे मित्रों 4 ऑप्शन दे रहे हैं, गराड, कर्नल होम्स, कैप्टन हिथकोट और पैट्रिक लॉरेंस। और यहाँ पे जो आपका जो सही आंसर है वो मित्रों कर्नल होम्स। ठीक है, कर्नल होम्स। मित्रों आपको बता दूँ, 20 जनवरी 1858 को अउवा का युद्ध हुआ था, अउवा। ठीक है, ये किन किन के बीच में हुआ था ये भी ध्यान रखिए, कर्नल होम्स और इनके साथ में था हंसराज जोशी, और सामने थे कौन मित्रों, पृथ्वी सिंह लांबिया। ठीक है, और यहाँ पर इसमें कर्नल होम्स ने विजय की और
आउवा पर अंतिम रूप से अधिकार कर लिया। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आई होप जो बातें बताई है मैंने समझ में आ गई। फिर मित्रों यहाँ से जो सुगाली माता की जो मूर्ति थी वो साथ में लेकर चले गए थे, सुगाली माता की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुशाल सिंह चंपावत ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर आत्मसमर्पण कर दिया था। कुशाल सिंह चंपावत ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर आत्मसमर्पण कर दिया था। तो मित्रों ऑप्शन दे रखे हैं, उदयपुर, नीमच, देवली और जोधपुर। तो मित्रों कुशाल सिंह चंपावत ने नीमच स्थान पे आत्मसमर्पण कर दिया था। कहाँ पर? नीमच पे आत्मसमर्पण कुशाल सिंह चंपावत ने कर दिया था। ठीक है, तो मित्रों थोड़ी सी बात इसके बारे में बात कर लेते हैं, कब किया था। तो ये किया था मित्रों 8 अगस्त, 8 अगस्त 1860 को। ठीक है, उसके बाद मित्रों जांच के लिए एक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम टेलर कमीशन। ठीक है, टेलर कमीशन का गठन किया गया था इनकी जांच के लिए। और उसके बाद इस टेलर कमीशन ने इनको निर्दोष साबित किया, निर्दोष। ठीक है, और इनको दिसंबर 10 नवंबर 1860 को रिहा कर दिया। ठीक है, और अंतिम समय मित्रों इन्होंने उदयपुर के अंदर बिताया। कहाँ पर? उदयपुर के अंदर अपना अंतिम समय बताया, और वहीं पे 1864 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, कब मृत्यु हुई, कहाँ मृत्यु हुई। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, कोई भी क्वेश्चन पीछे नहीं रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। सुगाली माता निम्नलिखित में से कहाँ के ठाकुरों की कुल देवी है। सुगाली माता निम्नलिखित में से कहाँ के ठाकुरों की कुल देवी है। तो ऑप्शन दे रखे हैं मित्रों, आहुआ, लांबिया, कोठारिया, सुलुम्बर। तो मित्रों ये आहुआ के ठाकुरों की कुल देवी है, सुगाली माता आहुआ के ठाकुर की कुल देवी है। इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं मित्रों, इनके 10 सिर और 54 हाथ। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि 10 सिर और 56 हाथों वाली देवी कौन सी है। तो आपको बताना है कि सुगाली माता कौन सी माता है। सुगाली माता 10 सिर और 54 हाथों वाली देवी है, और इस इनको 1857 की क्रांति की देवी भी बोलते हैं, 1857 की क्रांति की देवी। वर्तमान में इनकी जो मूर्ति है वो बांगड़ संग्रहालय पाली में के अंदर रखी हुई है। कहाँ पर? बांगड़ बांगड़ संग्रहालय, ये कहाँ पे? पाली के अंदर। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, जो बातें बता रहा हूँ समझ में आ रही होगी। यहाँ के क्रांतिकारियों के प्रेरणा के स्रोत थी मित्र, एक तो सुगाली देवी थी, सुगाली माता, और दूसरी थे कामेश्वर मंदिर, ये भी वहीं पे है अवा के अंदर, कामेश्वर मंदिर। इन दोनों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। देखिए मित्रों, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 की क्रांति के विद्रोह का नेता था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था। तो ऑप्शन दे रखे हैं मित्रों आपके सामने है, अली बेग, कुशाल सिंह, जयदयाल व हीरालाल। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है जयदयाल। मित्रों जयदयाल और मेहराब खां, देखिए 1 मिनट, जयदयाल तथा मेहराब खां, ये 1857 की क्रांति के यहाँ पे नेता थे, ये वकील थे, और मेहराब खां थे विशालदार। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इस टाइम यहाँ पे जो राजा थे वो थे राम सिंह द्वितीय। ठीक क्रांति कब हुई थी कोटा के अंदर? तो वो हुई थी 15 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर 1857 को यहाँ पे क्रांति हुई थी। इस बात को आपको विशेष ध्यान में रखना है। दो क्रांति मतलब यहाँ पे टुकड़ियों ने भाग लिया था, एक थी भवानी पलटन और दूसरी थी नारायणी पलटन। ठीक है, तो मित्रों इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में और बात करेंगे। धन्यवाद।